ट्रेलर का भी प्रीमियर है अरे मागे और है कैमरास कैमरास कैन वी प्लीज कम बिहाइंड बंधु त्या बाजूला जा ना म्हणजे पाठ येते तुम्ही त्या बाजूला मोठा फोटो व्यवस्थित अरे कैमरा मार के ना राजा अरे प्रोड्यूसर पाहिजे पाहिजे सर सब पीछे आओ थोड़ा बैक साइड हो जाओ पीछे जाके लो नहीं तो मैं ही मिलूं नाम छोड़ दे रहे मोबाइल से प्रॉब्लम है घर जा अपना और हम ऐसे ही करने वाले आ जाने प्रॉब्लम वाले मैम कम ऑन
ए ए ए ए अरे हाथ अरे सिकोड़ दे अरे सिकोड़ दे अरे सरका मधन साहेब एक फोटो करिए ना साहेब नाही झालं इकडे इकडे साहेब अरे दादा हट ना अरे दादा खाली बस ना बरोबर भाई खाली बस साहेब साहेब इकडे साहेब नवाद भाई नवाद भाई मोबाईल ए मोबाईल अरे दादा मोबाईल बाटी गया लेकिन हम देखते हैं कि बायोपिक्स में बहुत सारे जो ग्रे पहलू होते हैं जो उस चरित्र जो उतना लेजेंडरी किरदार थे उनके साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाए तो इस ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा तो किस तरह से ये कितना न्याय दे पाएगी और ये इस चैलेंज एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी शुरुआत का जो सीन में क्या होता है पता नहीं लेकिन हम लोग बहुत एक रियलिज्म को पकड़ के हम लोग कर रहे थे उनके जैसे ने बोल दिया था कि दो पॉलिटिशियन की धर्मपत्नी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी कैमरा के लिए पोज करना पसंद नहीं किया उन्होंने हमेशा एक मतलब उनका एक होमली और जो जो उनकी पर्सनालिटी थी उन पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ शी वाज स्टिल द बेस्ट होस्ट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब भी कोई माधुर्शी में गए तो माँ साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन जो खुद अपने हाथ से खाना परोसती थी और ये मैंने अपने एक अंकल से सुना जो कोइंसिडेंटली समहाउ हैपेंड टू रीच देयर तो आई वाज लाइक ओके देन वी हैव गॉट द रोल एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये करके एक एक महासाहब की एक पर्सनैलिटी को पर्दे पर उतारना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मराठी में एक टू कम अक्रॉस द रेट्रो लुक द पीरियड लुक मोस्ट ऑफ द फिल्म्स विल बी इन ब्लैक एंड वाइट ये पहली बार हम ऐसे देख रहे हैं तो या वेरी एक्साइटेड लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम्स इन द फिल्म सर संजय राउत सर का प्रश्न है सर एक सर
पण ते दूर केलं जाणार काय मध्यम मार्ग पूरी तालियों की गर्जना यहाँ पे होनी चाहिए। अरे नौ भाई आगे आ जाओ यार, थोड़ा सेंटर में आना, कैमरा खाली बस जरा बाद में करते ना। मोबाइल खाली बस मोबाइल अभी दोनों का ले लो दोनों का।